असेसमेंट ऑफ फर्म है आपका। फर्म की मीनिंग क्लियर है आपको? ठीक है, सारी बातें क्लियर है। सबसे पहले हमको जानना है कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट के बारे में, है ना। बुक प्रॉफिट का मतलब क्या है बताओ। देखो, बुक प्रॉफिट का मतलब है ऐसा प्रॉफिट से है जो कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट है, उसमें आप ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर। ठीक है, देखो बिजनेस में दो तरह के खर्चे होते हैं, एक होते हैं ऑपरेटिंग खर्चे और एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग खर्चे। यहाँ पर देखो उसने लिखा है कि नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, पीएल के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट आ रहा है आपका, वो प्रॉफिट आप क्या करो, पुट कर लो। इसमें से आप माइनस कर लोगे इन एडमिसेबल आइटम जो कवर नहीं है 28 से लेके 44 डीबी में। देखो 28 से लेके 44 डीबी तक हम लोगों ने पीजीबीपी में पढ़ रखा था कि नहीं, ऐसा खर्चा जो डेबिट नहीं होना चाहिए था लेकिन डेबिट हो गया है, तो क्या कर रहे थे हम लोग, ऐड कर दे रहे, है ना। ऐसी इनकम जो क्रेडिट होनी थी बट क्रेडिट नहीं हुई, उसको क्या कर देते थे, ऐड कर दे रहे। ठीक, अब यहां वो कह रहा है इन एडिसेबल आइटम जो उसमें कवर नहीं है, ऐसे आइटम तक आप डिडक्शन अलाउ नहीं कर रहे हो, उसको सब यहां पर ऐड करो। ठीक है ना, अभी आएगा, दिखेगा आप लोग को। फिर रेमुनरेशन टू पार्टनर, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है जो कैलकुलेशन की, पार्टनर्स का रेमुनरेशन आप इसको उठा तुरंत डेबिट कर लोगे क्योंकि इसके लिए एक प्रोविजन है। ठीक है ना, फिर तीसरी बात क्या थी, डिस अलाउड ऑफ इंटरेस्ट इन एक्सेस 12%, अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट किया जा रहा है अलाउ किया गया 12%, 12% के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट है वो सब क्या है आपका, डिस अलाउड है। तो मतलब क्या है वो, आप उसको उठा के ऐड कर दो कहां पर, नेट प्रॉफिट में। ठीक है, फिर माइनस करना है आपको एडमिसेबल आइटम विच आर डिस अलाउड, ऐसा कोई एडमिसेबल आइटम जो अलाउ नहीं है, ठीक है ना, इनकम के रूप में। उसके बाद ध्यान दोगे पॉइंट नंबर टू, इनकम फ्रॉम ऑल अदर सोर्स क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, 5 हेड की इनकम है आपके पास, है ना, पीजीबीपी की इनकम छोड़कर बाकी और भी किसी हेड की इनकम है, अगर वो सब क्या हो गई है पीएल में क्रेडिट हो गई तो उन सबको आप माइनस कर दो, क्योंकि हमको यहाँ पर किस प्रॉफिट से मतलब, केवल बुक प्रॉफिट नहीं, हमको यहाँ पर मतलब केवल पीजीबीपी के प्रॉफिट से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखो कैलकुलेशन नंबर दो पर आ जाइए आप। अब ऐसे करने पर आपको क्या आ गया, बुक प्रॉफिट आ गया। फिर दूसरे में आओगे, लिखो अब दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स रेमुनरेशन, है ना, पार्टनर्स के रेमुनरेशन का कैलकुलेशन करना है। पार्टनर्स के रेमुनरेशन के कैलकुलेशन में दो तीन बातें हैं, आप इसको, ठीक है ना, ये बात तो क्लियर है सबको, कोई डाउट है नहीं, आ जाओ रेमुनरेशन में। इसमें लिखो ए पॉइंट, देखोगे जब रेमुनरेशन का बात आएगा सबसे पहले क्या करना है, लिखोगे ऑन द फर्स्ट रुपीस 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट। रिकॉर्ड हो रहा है, मान लो जो पहला 3 लाख रुपए है बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस, ठीक है, इसमें हमको क्या चेक करना है, अमन रुपीज 1,50,000 और
90% ऑफ बुक प्रॉफिट। देखो यही तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, यही वो पॉइंट है, इसी को अगर निकाल दिया तुम लोगों ने चल गया, ठीक है ना। पहले तुमको क्या देखना है, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का जो बुक प्रॉफिट है उसमें 1,50,000 रुपया या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। यहां लिखोगे विच एवर इज, बात समझ में आ रही कि नहीं। 3 लाख रुपए में आपको चेक करना 1.5 लाख रुपया या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, किसका, 3 लाख का ऐड कर दोगे। ऑन द बैलेंस ऑफ द बुक प्रॉफिट, अब उसके बाद 3 लाख के ऊपर जो बैलेंस बचा है बुक प्रॉफिट उसका कितना, इन दोनों को उठा के आपको ऐड कर लेना है। बात समझ में आ रहा कि नहीं। क्या करना है, 3 लाख का 90% 1,50,000 दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको उठा के, हमेशा देखो 1,50,000 उस दिन मैंने पढ़ाते समय इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमेशा ज्यादा क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले केस में क्या है, 3 लाख रुपए का 90% 1,50,000 रुपए दोनों जो ज्यादा है, फिर उसके आगे जो बुक प्रॉफिट है उसका 60% दोनों ऐड कर लो, ठीक है ना। फिर बी में हमने क्या पढ़ाया आपको, एक्चुअल रेमुनरेशन पेड टू दी पार्टनर्स या वर्किंग पार्टनर, ठीक है, जो अमाउंट आ गया इनका, ठीक है ना। अब इन दोनों में से चेक करोगे लोअर, इन दोनों में से आप क्या चेक करेंगे, ठीक है ना, जो लोअर है यही क्या हो जाएगा आपका अलाउड फॉर डिडक्शन, कौन से सेक्शन में, बात समझ में आ रहा है, नोट कर लें, बस इतना ही नोट करने वाली चीज है, बाकी सब आप करिए आप चाहें। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं, अब इसमें फंसेंगे नहीं आप। बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है ये भी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है ना। सारे खर्चे तो आप माइनस कर देते हो 28 से लेकर 44D तक, बट जो चीज आप माइनस नहीं कर पाए हो वो उठा के यहां पर, सॉरी प्लस, हाँ माइनस नहीं, वहां उठा के ऐड कर दो, ठीक। बट वो खर्चा कैसा होना चाहिए, इनएडमिसिबल, मतलब अलाउ नहीं। फिर ध्यान रखोगे जो पार्टनर को रेमुनरेशन दिए हैं और जो आपका डिसअलाउड इंटरेस्ट है आपको पता ही है, दो तीन चीजें यहां ध्यान रखना है। अगर पार्टनर्स को आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो 12% के ऊपर जितना भी है डिसअलाउड है। रेमुनरेशन का केस अभी मैंने आपको पढ़ा ही दिया है ना, कि पहला 3 लाख रुपए का 90% और 1,50,000 दोनों से ज्यादा है बुक प्रॉफिट का, के बाद आगे का जो बुक प्रॉफिट है उसका 60% दोनों ऐड कर लो, एक्चुअल रेमुनरेशन जो है दोनों का कंपैरिजन कर लो, उन दोनों जो लोअर होगा उसका आपको डिडक्शन, कोई दिक्कत इसमें आपको, और उसका क्लियर है यहां तक तो आगे बढ़े फिर हम। आ जाओ ओपन करो असेसमेंट ऑफ फर्म, हमको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भेज दो। जल्दी
क्वेश्चन नंबर एक पढ़ोगे सब लोग? देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर एक है, एबीसी पार्टनर एक फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करें 2:1 के रेशियो में, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे जो नेट प्रॉफिट है कितना शो कर रहा है, 2,22,000 रुपया, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, 2,22,000 रुपये पुट कर दिया, कोई दिक्कत की बात यहां पर। ऐड करोगे आप डिस अलाउड एक्सपेंस, अगर आप चेक करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13% दिया है ना, तो 1% क्या है, डिस अलाउड है कि नहीं। अगर आप देखो 13,000 * 1/13 कर दो है ना, तो 1,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो ये है 13%, 1,000 रुपये आया कि नहीं आया, एक का 1,000 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो डिसअलाउड है, ठीक है। कितना आ रहा है, 6,500 * 1/13 कितना आ गया, ये 500, और उसी तरह सी का भी 500 आ गया। ये 2,000 रुपये इंटरेस्ट क्या है, कैपिटल का जो डिसअलाउड है। फिर सैलरी देखो बी को कितना दिया है, जो रेंट दिया है बी के बिल्डिंग में काम हो रहा है ये मान लिया जाएगा, इसलिए क्या है वो अलाउड हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप देखो सैलरी जो बी को दिया 72,000, ये क्या है, डिसअलाउड है। कमीशन को भी रेमुनरेशन में काउंट किया जाता है, ये टोटल 1,08,000 रुपये डिसअलाउड हो गया है ना। अगर आप देखोगे क्रेडिट साइड 4,78,200 के नीचे 10,000 है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये अदर सोर्स का पार्ट है, अदर इनकम है, इसको माइनस कर दियो, एक्चुअल में 3,22,200 का हमारा क्या आ गया, बुक प्रॉफिट। इसमें आपको कोई दिक्कत हो बताओ आप। फिर आगे जब बढ़ोगे आप कंप्यूटेशन करना इनकम फ्रॉम फर्म का, अगर आप देखिए बुक प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 3,22,000 आ गया कि नहीं। फिर रेमुनरेशन में वही बात चेक करो, 1,50,000 रुपये तो यहाँ पे भरा जाए, 2,70,000 और फीस 1,50,000 में से जो मोर है, मोर क्या है बेटा, इसमें से 2,70,000 है ना बुक प्रॉफिट। अगर आप देखो 3 लाख का 70% कितना हो गया, 2,70,000 हुआ कि नहीं हुआ, क्यों भाई, एक रेक्टिफिकेशन और कर लो इसमें, ठीक है ना। अगर आप ध्यान दो इसमें 60% अगले प्रॉफिट का, कितना आ रहा है, ये 13,320 रुपया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर आप चेक करो इसमें से 2 ऐड कर दिए कितना हो गया, 2,83,003 हो गया कि नहीं हो गया, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात में आप चेक करोगे एक्चुअल रेमुनरेशन कितना पेड है, 1 लाख है ना। अब इसमें हमको देखना पड़ेगा दोनों में से लोअर क्या है, लोअर है आपका 1 लाख, ठीक है। तो 3,22,200 में से आप 1,08,000 माइनस कर दिए, कितना आ गया, 2,24,200, ये हमारा क्या हो गया, इनकम फ्रॉम फर्म या बिजनेस, ठीक है। कोई दिक्कत की बात इसमें तो भाई, हमको थोड़ा गलत लग रहा है, थोड़ा एक बार इसको चेक करो, 3,22,200 में से माइनस कर दिया मैंने 1,08,000, क्या आ रहा है, 2,14,000, ठीक है ना। यहाँ नीचे टोटल इनकम फर्म की जब मैंने कैलकुलेट किया, टोटल इनकम ऑफ दी फर्म, तो पीजीबीपी कितना आ गया, 2,14,200, और अदर सोर्स से कितना आ गया, 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो टोटल कितना हो गया, 2,24,200। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक बताओ भाई। अब अगर आप उसके बाद कैलकुलेट करना चाहो इनकम ए और बी की, कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं,
एबीसी की, ए का इंटरेस्ट दिया है, बी का दिया है और सी का दिया है, कौन सा इंटरेस्ट दिया है ये जो अलाउड है, कितना अलाउड है 12%। सैलरी दी है बी की, ए और सी को सैलरी मिली नहीं, कमीशन दिया है सी का, तो सबका काउंट कर लोगे, ए का आ गया ये, बी का आ गया ये और ये सी का आ गया, कोई दिक्कत? आप लोग क्वेश्चन नंबर दो अपने से लगाइए। चलिए रेमुनरेशन, बात क्लियर हो गई ना आप सबको? दूसरे में जब हम लोग पढ़ेंगे, एबीसी पार्टनर है फर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करा ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 को, नेट प्रॉफिट दिया इसका 99,750 का, ठीक है ना, आफ्टर डेबिटिंग दी फॉलोइंग एज पर डीड। सैलरी कितने की है, ए की है 20,000, ठीक है ना, एंड बी की कितने की है, 15,000, टोटल कितना 35,000। बोनस दिया सी को कितना, 15,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का है 20%, 8% डिसअलाउड हो गया ना, 5,000 का 8% कैलकुलेट किया, 8/20 कर दिया, कितना आ गया 2,000 डिसअलाउड हो गया। कमीशन सी को दिया 5,000 डिसअलाउड हो गया, हमारा बुक प्रॉफिट आ गया 1,56,750। अब यहां पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखो कि बुक प्रॉफिट है ना 90% ऑफ 3 लाख। यहां पर भी कैलकुलेट करो थोड़ा सा कायदे से, पूरा प्रोविजन अप्लीकेबल करके, ठीक देखो प्रॉफिट कितने का है, 1,56,750 का बुक प्रॉफिट है। रेमुनरेशन कितना पेड किया आपने एक्चुअल में, देखोगे पहला कैलकुलेशन करेंगे एक्चुअल रेमुनरेशन कितना पेड है 35,000, फिर 90% ऑफ 3 लाख कितना आ गया ये हम लोग का हाँ तो निकालो भैया 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का है हमारा, 1,56,750 का है। ठीक है ना, क्या और 1,50,000, इन दोनों में से जो हायर है 1,50,000। अब इन दोनों में से जो लोअर है का डिडक्शन मिल गया हमको, और हमारी टोटल इनकम कितने की आ गई 1,01,700। ऐसे कैलकुलेशन करना है हम लोग, ये क्या हो गया हमारा नेट इनकम फ्रॉम ठीक है ना। तीसरा कराएं कि नहीं कराएं, चलिए तीसरा करिए आप लोग स्वयं।
अगर हम लोग तीसरे में पढ़ें, देखो नेट प्रॉफिट कितने का दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स एक्स वाई ग्लास वर्क फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, 1,28,000 का प्रॉफिट दिया कि नहीं दिया ये? पढ़ोगे उसका जब प्रोविजन लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6,000 रुपये, 8% हैज बीन पेड टू एक्स ऑन कैपिटल, अलाउड है 12% अलाउड है, ये लिमिट के अंदर कोई दिक्कत की बात? आगे देखोगे पेनल्टीज एंड फाइंस हैव बीन लेवाइड बिकॉज ऑफ इलीगल सेल्स एंड परचेज ऑफ ग्लास, इलीगल खर्चा है, ये सब क्या है आपका डिस अलाउड है, ध्यान रखेंगे हम लोग। रेमुनरेशन दे दिया एक्स वाई का इक्वल पार्टनर्स है, ठीक है ये सब ठीक है। पीएल अकाउंट में अगर देखोगे रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितने का है, 12,000 का है। अगर हम लोग ये माइनस कर दें जो इनकम आ गई हमारी वो क्या हो जाएगी, कितने का आ रहा है, 1,75,000 का। अब देखो यहां पर 1,75,000 का बुक प्रॉफिट तुमने पुट कर लिया, ठीक है। अब जब रेमुनरेशन की बात आएगी तो रेमुनरेशन में क्या करेंगे हम लोग, रेमुनरेशन पेबल टू पार्टनर्स ₹2 लाख एंड वाई को 1 लाख हैज नॉट बीन डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर इन अ फर्म, हाँ ठीक है। तो जो रेमुनरेशन पेबल है उसको अगर ध्यान रखो, पहला एक्चुअल में पेड कितने का किया है, 3 लाख का किया तो है ना, डेबिट नहीं किया है। जब डेबिट किया होता तो हम उसको क्या करते, यहां ऐड कर रहे थे ना इन एडमिसिबल, तो हमने यहां नहीं ऐड किया 3 लाख। लेकिन जब बुक प्रॉफिट की बात आएगी तो लेस तो करेंगे ना आप, तो 3 लाख रुपए एक्चुअल में तुमने पेड किया। अब दूसरी बात देखो, 90% आप कैलकुलेट करोगे बुक प्रॉफिट का, जब दूसरी बात हो गई 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, 1,75,000 का 90% कितना हो रहा है, 1,57,500 और 1,50,000 विच एवर इज मोर, ठीक है ना, इन दोनों में से और 1,50,000 मोर चेक करोगे, एक्चुअल पेड कितना किया हम लोगों ने, 3 लाख, इन दोनों में ज्यादा क्या है, 1,57,000, इन दोनों में से लोअर क्या है, 1,57,500, हाँ इसको नीचे लिख दो 1,57,500 दोनों में से जो ऊपर है ना। अब अगर हम लोग निकालें यहां पर बिजनेस का प्रॉफिट तो कितना आ रहा है, कम फ्रॉम आ रहे, देखो माइनस ₹17,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 12,000 का जीबी है तुम्हारा, वही एनबी हो गया, म्युनिसिपल टैक्स है नहीं, 30% एनबी माइनस कर दियो, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी आ गई, 8,400। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है तुम, ये जब कैलकुलेशन करोगे पेपर में वर्किंग नोट में करना प्रॉपर जैसे आप करते हो हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है ना, ऐसे शॉर्ट में नहीं, ठीक है। ये सब कर दिए, टोटल इनकम फंड की कितनी आ गई, 25,900, कोई दिक्कत यहां तक। टैक्स लायबिलिटी की बात कर रहा है ये, 30% स्लैब होता है फर्म पर है ना, अगर आप ध्यान दो 25,900 की इनकम है तो 30% रेट से कितना आ गया इस पर, 7,770 रुपया, फिर सेस लगा दिया तुमने इसमें 310 रुपये 80 पैसे आ गए, ठीक है। इसको राउंड अप करोगे कितना हो जाएगा, 8080,
ठीक है, कोई दिक्कत? एक्स और वाई की अगर इनकम कैलकुलेट कर रहे हो अलग अलग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को कितना मिला था? 8%, 6,000। और सैलरी, सैलरी के डिवाइडेशन का कोई रेशियो है क्या? बस इतना पता है कि टोटल सैलरी कितनी पे की जा रही है, 3 लाख रुपए उसने पे किया, लेकिन यहाँ अलाउ कितना कर रहे हैं हम? 1,57,500। तो किस प्रोपोर्शन में अलाउ करोगे? जिस प्रोपोर्शन में उसको सैलरी या रेमुनरेशन पे की हो। अगर तुम देखो रेशियो निकालोगे तो एक्स को उसने 2 लाख का पेमेंट किया है और वाई को कितने का पेमेंट किया है? 1 लाख का। जीरो सारे कैंसिल कर दो, आपका जो रेशियो है कितना आ गया? 2:1। सी में आपने क्या कर दिया है? एक्स और वाई के रेशियो डिवाइड कर, नोट कर लीजिए। के आगे का जो पूरा रिकॉर्डिंग है क्वेश्चन और आंसर का, वो पूरा पड़ा हुआ है, आप इसको वहां से देख के प्रिफर करिए, ठीक है ना। यहां पर जो मेनली आपको फोकस करना है, किस पर करना है? रेमुनरेशन पर करना है। ध्यान रखो, अगर रेमुनरेशन को तुमने सॉल्व कर लिया, रेमुनरेशन में ध्यान रखना है 90% ऑफ ₹3 लाख, पहले 3 लाख तक के बुक प्रॉफिट का आपको 90% कैलकुलेट करना है, कि आगे हमको क्या चेक करना है? 60%। जब इसका कैलकुलेशन करोगे, 1,50,000 से कंपैरिजन करोगे, दोनों में जो ज्यादा हो तो उठा कूट कर लो, ठीक है, ये 60% ऐड कर लो, जो आ जाएगा एक्चुअल से कंपैरिजन कर लो, इन दोनों में जो हायर होगा उन दोनों में जो लोअर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, इस टॉपिक को यहीं पर क्लियर करते हैं, ठीक।